अरे झांसी गले की फांसी और दतिया गले को आ, खबरें लेके आ गए चुगली के पत्रकार। झांसी गले की भैया रो राम राम काया, झांसी गले की फांसी हांसी नहीं है, बुरा न मान जाइयो, जितनी झांसी वाली बहू है नहीं तभी बहुत नाराज हो जाती। हमें बुंदेली चुगली से नहीं रहे, देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे, हम खुशी से आए गए, हमारा खबरी गोलू अखबार जग गए विश्वास में, कल में खबरें भेज दी और एक हट्टी भेजी एक से बढ़ के एक स्वामी का एक हट्टी एक बुलेटिन में हम सबसे निपटा दे रहे हैं। तो पहला मामला है एक ऐसी जाति को है, ऐसी जाति के एक पुलिस वालों एक थाना की पुलिस एक परिवार की मुखिया को उठा ले गई और पिछले 72 घंटे से हुए घर के अंदर थाने के अंदर बंद करके रखे हैं और ना बता रहा है कहाँ में पकड़ ले गए कहाँ कर रहे हैं, जबकि शासन को कानून को नियम है कि 48 घंटा से ज़्यादा 24 घंटा से ज़्यादा को पुलिस कस्टडी में रखो नहीं जा सका। लेकिन ऐसा भाव तो बेचारे परेशान होकर आज सांसद के तभी पहुँच गया और पुलिस के भी सबके अधिकारियों को भी सुनाई, तो देख ले रही खबर। जो मामला है प्रेमनगर थाना झांसी को, ऐसे कि राम जानकीपुरम कॉलोनी हंसारी में रहने वाले राकेश राय हैं पुलिस उठा के ले गई। इनके बेटा रजनेश राय ने आज इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी के SSP के वो आवेदन दाओ ई के अलावा स्थानीय सांसद के ही मिले। उनने बताओ कि उनके पिता के पुलिस उठा के ले गई, पुलिस आई और 72 घंटा से अपनी कस्टडी बैठा के रखे। ई घटना की CCTV में फुटेज भी है। अब वे परेशान हैं, पिताजी अलग परेशान है, कहा उन्हें शुगर के मरीज हैं पीड़ित हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जबरन बैठा है, ना तो बता रही कौन से मामले पकड़े हैं कौन से मामले नहीं पकड़े। पुलिस के जो कछु दलाल है वे पैसा जरूर मांग रहे, तो ऐसे में भी परेशान है कि आखिर जो मचोका है ते पे क्या कह रहे हो जो रजनेश राय की सुन लो तो ना। अपना आप रजनेश राय किस संबंध में सांसद जी का आप लोगों ने संबंध मिले आज? जी मेरे पिताजी को 72 घंटे से बिना कसूर के प्रेमनगर थाना पुलिस बिठाए हुए हैं। किस मामले में बैठाई हुई है? जी मेरा कहीं का दूर का रिश्तेदार लगता था, उसका लूट में नाम हुआ, मेरे पिताजी उसके फूफा जी लगते हैं, इस वजह से पूछताछ की कह के मेरे पिताजी को लेगा एक दिन की, और आज 72 घंटे हो गए ना छोड़ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्या जब तक वो नहीं पकड़ेंगे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा यदि वो अपराधी हैं तो उन्हें जेल भेजिए, उनका कुछ जो भी है या निर्दोष हैं तो उन्हें घर पर छोड़िए, क्योंकि वो शुगर और BP के पेशेंट हैं, उनकी आयु 45 वर्ष है और वो बैठे बैठे उनकी शुगर 300 के पार हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि उन्हें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? झांसी पुलिस होगी, कौन होगा बताइए आप। सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? सांसद जी ने कहा बात की है कप्तान साहब से, उन्होंने कहा है आप मिल के आइए बात कीजिए, जो भी होगा एक बार मुझे बताइएगा मैं बात करूँगा। दूसरी खबर भैया जो है उतनी पुलिस थाने से जुड़ी है कि आज पुलिस थाना में भजन कीर्तन भाई और साधु सन्यासी उनके श्रद्धालु भक्तन ने कहा हरे राम राधे कृष्ण सीताराम सब करो और करो इसे कि बंदरन की जमीन पे कब्जा हो रहा तो हैरान परेशान आते, तो देख लो जा खबर पहले और फिर होता है कि महंत का कह रहे उनकी भी सुन लो पीड़ा समस्या है का कह रहे। Hey,
हैं, परेशान हैं और डीएम साहब से कई बार हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन लोगों के ऊपर हम लोगों को निरंतर जो है भयभीत किया जाता है कि इस तरह से तुमको उल्टा सीधा केस आदि से जो है हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मंदिरों में रहना हम लोगों को दुश्वार है, जो इस तरह से जो आताताई लोग हैं उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। जब तक हमारी जो है वो सुनवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ अखंड कीर्तन करेंगे। तीसरी खबर भैया झांसी से है, जहाँ पर डीआरएम कार्यालय और रेलवे के अधिकारियों का कार्यालय होता है उनके बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करो धरना दाओ इके लेके करो कि नाइट ड्यूटी जो लगाई जाए तो उसको भत्ता तो दो जाए, फ्री फंड में बोकर में काम करावे में लगे तो कम से कम भत्ता जो देख ले जा। खबर भी झांसी के डीआरएम कार्यालय के बाहर आज ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने प्रदर्शन करो डीआरएम कार्यालय के बाहर जो इकट्ठे भए तो धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी करी और जब मांग करी कि उन्हें नाइट ड्यूटी भत्ता दिलाओ जाए इस संबंध में रेलवे के कर्मचारी ने ज्ञापन भी दाओ और प्रदर्शन करो। क्या कह रहे हैं इनके कर्मचारी इनके प्रतिनिधि और कर्मचारी नेता सुन लो तना। भैया नाम बताइए अपना। मैं अजय दुबे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन झांसी मंडल का मंडल सचिव हूँ। भैया किस संबंध में आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है आज? ये हमारा प्रदर्शन नाइट ड्यूटी भत्ता जो है हम लोगों को मिलता था नाइट ड्यूटी के एवज में वो DOPT के एक आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 43,600 के ऊपर है उनको नाइट ड्यूटी भत्ता देना बंद कर दिया है। तकरीबन 2,500-3,000 वेतन के हिसाब से नाइट ड्यूटी भत्ता प्रतिमाह कर्मचारियों को लगता था, तो न केवल स्टेशन मास्टर की बल्कि जो भी रेल कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 43,600 के ऊपर है उनका नाइट ड्यूटी भत्ता देना बंद कर दिया है। अब लोग ये मांगे क्या हैं? अब हमारी अभी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि जो फ्रीज किया हुआ DA महंगाई भत्ता जो है जब से कोरोना चल रहा है गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया है। जो हर साल हमको जुलाई में और जनवरी में दिया जाता था महंगाई भत्ते की किस्त बढ़ती थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, उसको चालू किया जाए और नाइट ड्यूटी भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जाए। तीसरी जो मुख्य मांग है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बीमा कवरेज दिया गया 50,00,000 का, हमारे कई साथी स्टेशन मास्टर साथी कोरोना काल में शहीद हुए हैं तो हमारी ये मुख्य मांग है कि जितने भी फील्ड स्टाफ हैं उनको सबको 50,00,000 का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाए क्योंकि हम लोग लगातार गाड़ियों का संचालन करते रहे। सो ये जी आती खबरें फटाफट जितनी हती सब मैंने सब बता दी। झांसी की खबरें आती, अब झांसी की भैया रानी खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। झांसी में बहुत खबरें हमारे खबरी सब में कही है भैया जग जाओ खबरें तो चाहे ही है। अब खबरें शुरू हो गई हमें लगा था कि अब गर्माहट आ जाए, सर्दी भी तो आती, अब कहाँ करें आधी ठंडे में। अब हम ले रहे भैया मेरा बाद में पहले अभी खबरें जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।